हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीता एंड आई वेलकम यू ऑल इन 5 मिनट वाला ज्ञान डोज, अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। तो कैसी चल रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी? बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी, हमने बहुत सारा ज्ञान देखा कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हैबिट्स। कभी कभी हमारे जो बैड हैबिट्स है उसको ओवरकम करने में शायद हम कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ व्हाट हैपेंड इफ वी कुड नॉट ओवरकम दोज बैड हैबिट्स। अगर हम इसी तरह से सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते रहे एंड इसी तरह से अगर हमारे छोटे छोटे जो बैड हैबिट्स है जो हमारे हैं, है ना, हमने ही उसे कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, हम अगर उस पर ही काम नहीं कर पाए तो बड़ी वाली चीज़ें जो अचीव करनी है वो कब करेंगे? तो बेसिकली समझो, एक पानी का ग्लास है, उस पानी में किसी ने इंक डाल दिया। अब इस इंक को पानी से अलग करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस पानी को फिर से क्लीन करने का क्या तरीका है? उसमें आप जितना क्लीन वाटर पोर करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जो ख़राब पानी हो गया है इंक की वजह से वो स्पिल ऑफ होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल हैव मोर क्लीनर वाटर। एंड थोड़ा थोड़ा करके जो वाटर का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा अगर आप वो अच्छा वाला वाटर उसमें डालते जाएंगे तो एक दिन आपको वो कंप्लीट क्लियर क्वालिटी ऑफ वाटर भी मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे, अगर आप लाइफ में खुद के अगर हैबिट्स पे या फिर खुद के ही जो कड़े संस्कार हो गए हैं उस पर अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अच्छी आदतों को लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदतें हमें सबको पता है, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, फिर हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स करना, टाइम पे काम पे जाना, ऑर्गेनाइज तरीके से रहना, साफ सफाई रखना, हाइजीनिक वे से सारी चीज़ें करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग हैबिट। बहुत सारी, ये तो मैंने कुछ बताई, जैसे अच्छा खाना, मतलब हम न्यूट्रिशनल फूड खाएं, हम जंक फूड को अवॉइड करें, तो ये सारे चीज़ें जो है वो गुड हैबिट्स में आते हैं। हमें पता है, सबको पता है, लेकिन समहाउ होता नहीं है, है ना। कितनी बार अलार्म बजता है लेकिन उसे स्नूज कर करके फिर ऐसे होता है कि एक अर्जेंसी आती है तो उस टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं इसे कहीं ना कहीं थोड़ा हमें अब वो आदत नहीं रही पहले जैसी, उसकी वजह से शायद वो तकलीफ होती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हमें बार बार, उसकी वजह से ऐसे एक बीमारी है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन सिंड्रोम। मतलब पहले तो अटेंशन स्पैन जो है वो 10 मिनट उससे भी ज़्यादा हुआ करता था, अब वो अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स तक आ गया है, एंड इट्स वेरी वेरी लेस। इसकी वजह से अगर स्कीप ऐड भी करना है तो वो आपको उतने सेकंड्स का वो टाइम देता है यूट्यूब कि उतने टाइम, क्योंकि उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन होता है, उससे ज़्यादा हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। एक काम करते हैं, 100 चीज़ें आती है, फिर बीच में किसी का कॉल आ जाता है, कुछ अर्जेंसी, कुछ इमरजेंसी, कुछ इंपॉर्टेंट, एंड फिर हम एक टास्क से दूसरे टास्क, वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मोड है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी हैबिट के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो है रीडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कल्टिवेट रीडिंग हैबिट। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप जो एजुकेशन ले रहे हो या फिर जो आपकी काम की टेक्निकल चीज़ है वही आप पढ़ो। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स देर आर सेवरल थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, एंड दोज बुक्स विच यू लाइक, वॉट एवर टॉपिक यू लाइक, उससे शुरुआत करो। मैं भी, अगर आप चाहते हो तो मैं भी आपको बहुत सारे बुक्स सजेस्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। तो पहले आपका इंटरेस्ट निकालो, उस इंटरेस्ट पे आपको जो लगता है कि हाँ मैं इस टाइप के मुझे बुक, इवन वो स्टोरी बुक्स भी है तो भी चलेगा, बट एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग दैट हैबिट। तो रीडिंग हैबिट इनिशियली आपको अगर स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट रीडिंग डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स, देन मेक इट 15 मिनट, 20 मिनट्स। एक वीडियो मैं उस पर बनाऊँगी कि आपको अटेंशन स्पैन जो है वो कैसे पढ़ाना है एंड उसको फिर किस तरह से लेके जाना है। इस वीडियो में सिर्फ हैबिट के बारे में बात करनी है, तो फिर उसका अटेंशन फोकस स्पैन, उसका टाइम ड्यूरेशन, फिर इवन टाइम मैनेजमेंट,
अगर इवन आप भी मुझे बताओ कि आपको जो ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए वो कौन से एरिया में चाहिए, कहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स पे आप डोज, जो हमारा ज्ञान डोज चलता है उसमें वीडियोस चाहते हो, तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो वो भी आप मुझे बताओ, तो दैट ऑल्सो आई विल कवर। तो रीडिंग हैबिट कल्टिवेट करनी है, एंड कल से मिनिमम 5 to 10 मिनट्स, जब आपका मॉर्निंग रिचुअल हो जाता है तो 5 to 10 मिनट्स का एटलीस्ट रीडिंग स्टार्ट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके फेवरेट बुक्स हो सकते हैं, या फिर इवन पढ़ाई का भी पढ़ना चाहते हैं एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज, नॉट विच एवर यू रिक्वायर फॉर एग्जाम और फॉर सर्टन काइंड ऑफ टीचिंग एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम दैट। सो आप करिए और मुझे बताइए। सो दिस मच फॉर टुडेज ज्ञान डोज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।